अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ चिकन मलाई सीख बिरयानी की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं चिकन मलाई सीख बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चिकन लिया है, बोनलेस चिकन मैंने 1 किलो लिया है और इसको इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कट करा लिए हैं। अब इसे मैं चॉपर में डाल के हमें पीसना है। तो देखिए मैंने एक चॉपर लिया है, इसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 6 से 7 हरी मिर्चें डाला है मैंने इसमें, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे यानी कि चॉप कर लेंगे। तो चलिए इसे चॉप कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने इसे चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो चिकन लिया था वो डाल देंगे। ध्यान रहे कि चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चिकन को अच्छे से वॉश करके उसका सारा पानी आप ड्राई कर लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए मैंने चिकन को भी फूड प्रोसेसर में डाल के ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च पाउडर और ये 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कुटा भुना धनिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। 1 चम्मच मैंने डाला है चिली फ्लेक्स और ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है आमचूर पाउडर। 1 नींबू का रस डाल देंगे और इसे एक बार फिर से हम ग्राइंड करेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के घी, इससे हमारे जो सीख है वो एकदम ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चलिए अभी इसे भी हम फिर से चॉप कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसे एक बार फिर से मैं मिक्स कर दूंगी। देखिए ये मैंने चॉप कर लिया है। अभी मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और बीच में मैंने इसे कोयले का भाप दिया है। 1 कटोरी में जलता हुआ कोयला डालिए, उसमें घी या ऑयल डाल के इस तरीके से इसे स्मोकी फ्लेवर हमें देना है। इसे ढक दीजिए 5 मिनट तक। मैं इसे ढक के रखूँगी, 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और सारा स्मोकी फ्लेवर हमारे कीमे में आ चुका है। अभी इसके बीच में से ये हम कटोरी निकाल लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से कीमे को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप जब ये कीमा आप पीस रहे हो उस वक्त ब्रेड 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस भी आप डाल सकते हो, अगर आपका चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट है, नरम है तो, वरना ज़रूरत नहीं है डालने की। बाद में भी आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पेंसिल लिया है। अब इसके हम इस तरीके से सीख बनाएंगे। एक छोटा सा गोला इस तरीके से कीमे का हाथ में लेंगे। अब छोटा या बड़ा ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके की सीख बनाना है। ये बहुत आसानी से बन जाती है और अगर आपको पेंसिल या स्लाई का भी इस्तेमाल नहीं करना है तो सिर्फ हाथों की मदद से इसे गोल गोल शेप दे दीजिए और आपकी सीख तैयार हो जाएगी। अगर आपने बड़ी बड़ी भी सीख बनाया है तो बाद में उसको कट करके भी आप बिरयानी में डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने सीख तैयार किया है। चलिए इसे एक बर्तन में रख देती हूँ मैं। इसी तरीके से मैं एक और बताती हूँ कि किस तरीके से बनाया है। पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा सा कीमा हाथों में लेके इस तरीके से गोला बना लीजिए। बहुत आसानी से बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने जितनी बार भी बनाया है तो आपने देखा होगा, पहले भी मैंने रेसिपी डाली है तो मैंने इसी तरीके से पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से इसे प्रेस कीजिए और हल्के हाथों से इसे खींच के निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से ये सीख तैयार हो गई है। चलिए इसी तरीके से मैं सारे सीख तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीख तैयार करके रखा है और यहाँ पर एक तवा रखा है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इसे दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा कलर नहीं आने दीजिएगा। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में ये मसाले के साथ भी पकेगा और जब हम बिरयानी को दम देंगे तब ये गल जाएगा। वैसे भी ये चिकन का कीमा है तो चिकन को गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये फौरन गल जाएगा। तो देखिए एक तरफ से इस पर हल्का सा कलर आ गया है तो मैं इसे पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके का कलर आने तक इसे पका लूँगी। 3 से 4 मिनट में हमारी सीख तैयार हो जाएगी। आप लोग इसे इसी तरीके से भी खा सकते हो, बड़े मज़े के लगते हैं ये सीख। तो देखिए अभी मैंने इसे फ्राई कर लिया है, बस इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकने दूंगी और इसे मैं निकाल लूंगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है।
फ्लेम को स्लो मत करना वरना कीमा और पानी छोड़ देगा। तो देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं सारी सीख को तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने सीख फ्राई करके रख लिया, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया कलर है इसका। अब एक कटोरी में मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही और इसमें मैं एक पूरा टेट्रा पैक डाल दूँगी फ्रेश क्रीम का। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास फ्रेश क्रीम थी तो मैंने उसका पूरा 1 पैकेट डाला है। और यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मेयोनीज का इस्तेमाल किया है, तो मैं ये अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग 1 कप भर के डालिएगा। देखिए अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। ये हमारी ग्रेवी का क्रीम तैयार है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें मैंने प्याज को तल के निकाला था, उसी ऑयल में मैं डाल दूंगी 3 से 4 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में बारीक चॉप किया था वो डाल देंगे और इसे हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा एकदम डार्क कलर मत कर देना, हल्का सा गोल्डन हो जाए बस इतना ही हमें पकाना है वरना ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। तो चलिए अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ। इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची लिया था उसे मैंने क्रश कर लिया है चॉपर में, ये वो डाल देंगे क्योंकि इसमें हम कोई पाउडर मसाले नहीं डालने वाले हैं, तो इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप अगर तीखा खाते हो ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा ही डालिए वरना आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और ये मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इन सारे मसालों को अच्छे से भून लीजिए ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। ये इसमें ज़्यादा मसाले कोई पड़ते नहीं हैं, बहुत ही कम मसालों से ये ग्रेवी तैयार होती है, लेकिन जितने कम मसाले इसमें होते हैं ये उतना ही टेस्टी बनता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 बादाम लिया था और 7 से 8 मैंने काजू लिए थे, उसको मैंने थोड़े से दही के साथ पीस लिया था, तो वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब मैं काजू और बादाम का पेस्ट डालोगे तो जाहिर सी बात है मसाले का नीचे लगने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए इसे लगातार आप चलाते जाइए, मसाले को बिल्कुल भी नीचे लगने मत दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दीजिए जब तक के ड्राई फ्रूट का भी कच्चापन दूर नहीं हो जाता। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल भी मेरा मसाला नीचे लगा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे दही और क्रीम का जो हमने बैटर बना के रखा है वो डाल देंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम कर दीजिए एकदम स्लो फ्लेम पे ही आप इसे डाल के पकाइए। देखिए हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे मसाले दही क्रीम और मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए। इस तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। चलिए देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इसकी ग्रेवी, देख सकते हो आप लोग कितनी क्रीमी तैयार हुई। और अगर आप चाहे तो इस वक्त आप इसमें चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हो, अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप डालिए इसमें और अच्छी ग्रेवी बनेगी, बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा इसका। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है क्योंकि अभी ये पकेगा और इसमें काजू वगैरह है तो ये ग्रेवी एकदम थिक हो जाएगी, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी क्योंकि अभी हमें इसमें सीख डाल के पकाना है, तो ये 2 से 3 मिनट तक और पकेगा तो ग्रेवी हमारी एकदम ही ठीक हो जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, ज़्यादा मतलब एकदम भी ज़्यादा मत डाल दीजिएगा कि पतली ग्रेवी एकदम ही पतली हो जाए। तो देखिए अभी ग्रेवी में उबाल आ गया है, देख सकते हो आप लोग। अब इसमें हम डाल देंगे सीख जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी।
चलिए देखिए मैंने सीख डाल दिया है इसमें। अब इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कीजिए ताकि हमारी सीख बिल्कुल भी टूटे नहीं और सीख में सारे मसाले अच्छे से लग जाए। इस तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए और देखिए मैंने थोड़ी सी सीख बचा के रख दी है, ये मैं बिरयानी के ऊपर गार्निश करूँगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने डाल दीजिए मसालों में और अच्छे से इसे फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब इसे हमें ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाइए वरना काजू नीचे लग जाएगा। बीच बीच में आप इसे ज़रूर चलाते रहिए और इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। चलिए अभी इसे मैं ढक देती हूँ, आप लोग इसे इसी तरह भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी आपकी सीख मलाई रेडी हो चुकी है। देखिए इसमें उबाल आ गया है और ये बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। बस अब इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी, अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद और इसे एक तरफ ढक के रख दूंगी। अब यहाँ देखिए मैंने ये चावल लिया है, तो 1 किलो मैंने चावल लिया था, इसे भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। बाद में मैंने इसे 90% तक पका लिया है, बाकी का 10% इसको जब हम दम देंगे तब पक जाएगा। तो देखिए पतीली में मैं पहले थोड़ा सा चावल डाल दिया है मैंने, अब इसके ऊपर हम जो सीख बना के रखा है हमने ग्रेवी वो डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से सीख को अरेंज कीजिए अंदर ताकि जब बिरयानी हम निकालें तो हमारी सीख बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो देखिए मैंने इसमें सीख डाल दिया है इस तरीके से चारों तरफ फैला के, सारी इसकी ग्रेवी भी डाल दिया है ऊपर। अब इसमें हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस, अगर आपको पसंद है तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी बढ़िया खुशबू आती है। बस 2 से 3 ड्रॉप ही डालना, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज, भाई बिरयानी है तो उसके ऊपर प्याज का होना तो लाजिम है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दीजिए, फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। आप लोग देख सकते हो अभी से ये कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसके ऊपर जो बाकी के चावल है वो डाल देंगे हम और चावलों को अच्छे तरीके से फैला लीजिए चारों तरफ। और इसके ऊपर हम 4 से 5 टेबलस्पून भर के घी डाल देंगे चारों तरफ अच्छे से, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो। चारों तरफ मैंने अच्छे से इसके ऊपर घी डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने सीख बचा के रखी थी, उसे अरेंज कर लीजिए ताकि ये देखने से पता चले कि सीख बिरयानी है। इस तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है। अब इसके ऊपर फिर से हम थोड़े से प्याज डाल देंगे और हरा धनिया पुदीना डाल देंगे, ऊपर से गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने ये फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे ये बिरयानी वाइट चाहिए था। अगर आपको थोड़ा कलर पसंद है तो आप डाल सकते हो। देखिए मैंने इसे गार्निश कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल से इसे कवर करूँगी ताकि जब मैं दम पे रखूँ तो इसकी बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आए और ये बहुत अच्छी तरीके से दम पे आ जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लिया है, अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। चलिए अभी इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और देखिए मैंने दूसरी तरफ तवा रख दिया है गरम होने के लिए। तो मैं 5 मिनट तक इसे गरम कर लिया था मैंने तवे को। अब इसके ऊपर हम ये पतीला उठा के रख देंगे और पहले 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा फॉइल पेपर हटा के देख सकते हो कि उसका स्टीम बाहर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो इसका मतलब आपकी बिरयानी रेडी है, और अगर नहीं आ रही है तो आप इसे फिर से बंद कर दीजिए और इसे पकने दीजिए 10-15 मिनट के बाद। एक बार आप खोल के चेक कर लीजिएगा, मुझे अंदाज़ा है। तो मैंने इसे बराबर टाइम पे ही खोला था और देख सकते हो आप लोग कितनी बढ़िया स्टीम बाहर आ रही है और ये हमारी खुशबूदार सी बिरयानी रेडी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर का फॉइल हटाया है और जिस तरीके से इसका धुआं बाहर आया है, पूरी खुशबू मेरे घर में फैल गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत मज़े की ये बिरयानी रेडी होती है और आप लोगों ने देखा कि कितने कम मसालों से ये बिरयानी रेडी होती है और ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में। जितने कम मसाले हैं इसमें बिरयानी उतनी ही मज़े की, उतनी ही टेस्टी लगती है। देख सकते हो आप लोग इसके चावल के दाने, एक एक खुले खुले दाने हैं।
मेरे बच्चों को ये इतनी पसंद आई थी, मैं बहुत जल्द ये फिर से बनाने वाली हूँ। देख सकते हो इसका मसाला भी, आप लोग देख सकते हो एकदम ये वाइट क्रीमी है एकदम। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों का अगली रेसिपी कौन सी देखनी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी फरमाइश पूरी करने की। तो देखो कितनी झटपट मैंने मलाई सीख बिरयानी रेडी कर ली है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए मैं सीख आपको इस तरीके से तोड़ के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट कितनी जूसी बनी है ये। मुँह में एकदम घुल गई थी जब इसे हमने खाया था, बहुत टेस्टी थोड़ी चटपटी बनाई थी मैंने। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।